हार्ट में 4 वॉल होते हैं। अगर इनमें से एक भी वॉल में कोई दिक्कत हो जाए तो उसे हार्ट वॉल डिजीज कहते हैं। आपको बता दें कि हार्ट में मौजूद 4 वॉल ब्लड को सही दिशा में फ्लो होने में मदद करते हैं। हालांकि कुछ मामलों में देखा जाता है कि एक या अधिक वॉल ठीक से पंप नहीं होते, जिसकी वजह से शरीर के हर हिस्से तक सही तरह ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। इस तरह की स्थिति शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी परेशानी आपके साथ ना हो, इसलिए चलिए आपको बताते हैं कि हार्ट वॉल डिजीज के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि हार्ट वॉल डिजीज होने पर लंबे समय तक व्यक्ति को उसके लक्षण दिखाई नहीं देते। छाती से घर घर की आवाज आना। हार्ट वॉल डिजीज होने पर छाती से घर घर की आवाज आ सकती है। हालांकि शुरुआती दिनों में ये आवाज इतनी धीमी होती है कि डॉक्टर उसे स्टेथोस्कोप के जरिए सुन सकते हैं। छाती में दर्द होना। हार्ट वॉल डिजीज होने पर मरीज के सीने में दर्द बना रह सकता है। कई तरह के घरेलू उपायों से भी फर्क ना पड़े तो इसे सामान्य सर्दी जुखाम नहीं समझना चाहिए, बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पेट में सूजन। अगर लंबे समय तक हार्ट वॉल डिजीज अनदेखा रह जाए तो पेट में सूजन की समस्या होने लगती है। ऐसा खासकर एडवांस स्टेज में देखने को मिलता है। थकान होना। हार्ट से जुड़ी किसी भी तरह की बीमारी होने पर थकान सबसे सामान्य लक्षणों में से एक है। इसी तरह हार्ट वॉल डिजीज होने पर भी मरीज थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करने से थक जाता है। कई बार सांसें भी उखड़ने लगती हैं। इस तरह के लोगों के लिए ज्यादा समय तक एनर्जेटिक बने रहना मुश्किल हो जाता है। पैरों या टखनों में सूजन। हार्ट वॉल डिजीज होने पर पैरों या टखनों में सूजन भी देखने को मिलती है। हालांकि शुरुआती दिनों में इसे सामान्य सूजन मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि ऐसा किया जाना सही नहीं है। पैरों में सूजन दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। चक्कर या बेहोशी। हार्ट वॉल डिजीज होने पर मरीज को थकान होने के साथ साथ चक्कर आना भी शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकता है। हालांकि चक्कर आना कई अन्य बीमारियों की ओर भी इशारा करता है। कई बार कमजोरी के कारण भी चक्कर आते हैं। वहीं अगर आपको चक्कर आने के साथ साथ अन्य लक्षण भी दिखें तो आप लापरवाही से बचें। दिल की अनियमित धड़कन। जब आप बहुत तेज भागते हैं या तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हैं तो अक्सर दिल की अनियमित धड़कन का एहसास करते होंगे। लेकिन हार्ट वॉल डिजीज होने पर भी दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं। इसको अनदेखा करना सही नहीं है। वैसे भी दिल की अनियमित धड़कन अपने आप में एक गंभीर बीमारी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।